ऐसा क्या है जो आपको किसी दूसरे इंसान की इतनी जरूरत महसूस कराता है? किसी को खो देने की प्रॉब्लम मुख्य रूप से मानसिक है और भावनात्मक है। आपको शालीनता के साथ जीवन में आगे बढ़ जाना आना चाहिए। आपके पास ये दो चॉइसेस हैं, या तो आप दुनिया को अपनी छांव तले जीने दें, या आप खुद किसी और की छांव पाने के लिए तड़पते रह सकते हैं। नमस्कारम सद्गुरु, जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो इतना दर्द क्यों होता है? मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। इसने मेरे अंदर एक खालीपन सा छोड़ दिया है। क्या इस वक्त आपको इस शरीर के अंदर जीवन की बुनियादी प्रक्रिया दिख रही है? इसे और कुछ नहीं चाहिए। यह कुछ चीजों पर निर्भर होती है, यह होना तो स्वाभाविक है। आपके अस्तित्व की भौतिक प्रक्रिया कुछ चीजों पर निर्भर होती है। आपको खाना है, आपको सांस लेनी है, आपको पानी पीना होता है, कई चीजें, आपको सेवाएं चाहिए, रख रखाव चाहिए। लेकिन वो जो इस जीवन को पैदा कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया है। इसे किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कैसा है, आपको ऐसा लगता है? आप ऐसा महसूस करते हैं? हाँ या ना? ऐसा ही है। तो ऐसा क्या है जो आपको किसी दूसरे की इतनी ज्यादा जरूरत महसूस कराता है? यह आपके विचार का स्वभाव है, आपकी भावनाओं का, और यहां तक कि जीवन के कुछ खास पड़ावों में शायद आपके शरीर का भी स्वभाव है। अब शरीर एक चीज हो गई, आपने इसे नहीं बनाया। आपने देखा होगा, आपने अगर बस किसी किताब में थोड़ी सी दिलचस्पी भर ले ली, आप एक सस्पेंस थ्रिलर पढ़ रहे हैं, आपकी सारी शारीरिक जरूरतें गायब हो जाएंगी। आपने इस पर गौर किया है? आप बस एक कचरा सस्पेंस थ्रिलर पढ़ रहे हैं, पर ये काफी है। 2 घंटे आपने खाने के या इसके या उसके बारे में नहीं सोचा, सारी शारीरिक जरूरतें जैसा गायब हो गई हैं, है कि नहीं? तो इसके परे बड़ी आसानी से जाया जा सकता है, अगर आप चाहें तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये करना ही है, अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। शरीर पर बड़ी आसानी से महारत हासिल की जा सकती है, इसमें कोई संघर्ष नहीं है। अब The problems of loss are essentially psychological and emotional. खो देने का प्रॉब्लम मुख्य रूप से मानसिक है और भावनात्मक है। तो आप जो हैं उसकी मनोवैज्ञानिक संरचना, कम से कम आप जो हैं उसका मानसिक ढांचा आपके द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए, है ना? तो अगर आप अपना मानसिक ढांचा खुद तैयार करते हैं, तो आप इसे एक दुखित संभावना में बदलेंगे या एक आनंदित संभावना में? अगर आप तैयार कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूं, आप अपने लिए क्या चाहेंगे, आप अपने पड़ोसी के लिए क्या चाहेंगे, इस पर बहस हो सकती है। कम से कम आप अपने लिए तो दुख नहीं चाहेंगे, कोई इंसान ऐसा नहीं चाहता। तो जाहिर है कि आपने अपनी मानसिक प्रक्रिया या मानसिक ढांचे को जागरूकता के साथ वैसा नहीं गढ़ा है जैसा आप चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या यह है कि पुफ, कल अगर रिश्ता चला गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं परसों से जीना जारी रखूंगा? नहीं नहीं नहीं, बात यह नहीं हो रही है। बात बस इतनी है कि आपको जीवन के साथ ऐसे जीना चाहिए कि आप इसी पल किसी और के लिए मरने को तैयार हों। लेकिन अगर ऐसा हो ही गया कि वो कल मर गए, आप नहीं दूसरा मर गया, तो आपको शालीनता के साथ जीवन में आगे बढ़ना आना चाहिए। लेकिन आज आपको ऐसे जीना चाहिए
जैसे आप इस इंसान के लिए मरने को तैयार हैं, सच में तैयार, नहीं तो जीवन में कोई पवित्रता नहीं होगी। अगर आपने इसको एक लॉजिकल हिसाब किताब बना लिया कि आखिर मैं एक स्वतंत्र जीवन हूं, मुझे भला किसी और की जरूरत क्यों होगी, आपका जीवन बेहद बदसूरत बन जाएगा। आपको ऐसे जीना चाहिए जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन कल अगर ऐसा हो ही गया, वो कल है, अगर ऐसा होता है कि वो व्यक्ति गायब हो गया, मर गया या मुक्त हो गया या जो भी हो गया, तब आपको इसे ऐसे देखना चाहिए कि ये जीवन एक स्वतंत्र टुकड़ा है। लेकिन आज अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो आपका जीवन बदसूरत बन जाएगा। तो लोग ये अंतर नहीं देख पाते, या तो वो निर्दयी अय्याश बन जाते हैं, या वो इतने कमजोर और गुमसुम हो जाते हैं, वो अपने संबंधों का आनंद नहीं ले पाते। मोस्ट रिलेशनशिप्स आर ओनली दे नो सम जॉय ओनली इन द बिगिनिंग, आफ्टर दैट इट्स वन कंटीन्यूअस कॉम्प्लिकेशन एंड पेन। ज्यादातर संबंध केवल शुरुआत में ही वो थोड़ी खुशी जान पाते हैं, उसके बाद ये लगातार उलझन और तकलीफ बन जाते हैं ज्यादातर लोगों के लिए। ये दुर्भाग्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने प्रकृति को नहीं समझा है, आपने इस वाले की प्रकृति का अनुभव ही नहीं किया है। आप दूसरे की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है तो ज्यादातर समय ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा है। जीने का बुरा तरीका है, हाँ या ना? आपका अपने आसपास के सभी लोगों के साथ बढ़िया संबंध होना चाहिए क्योंकि आप ऐसे हैं, इसलिए नहीं कि कोई और कैसा है। आपके पास ये दो चॉइसेस हैं, या तो आप दुनिया को अपनी छांव तले जीने दें, अपनी छांव के आराम में, या आप खुद ही किसी दूसरे की छांव पाने के लिए तड़पते रह सकते हैं। ये चॉइस हर इंसान के पास होती है।